मुख्यमंत्री केसीआर मूडोसारी मुख्यमंत्री अवतारनी एमआईएम अधिनेता एंपी असदुद्दीन ओवैसी विश्वास व्यक्तं चेशारु। अभिवृद्धि मत सामरस्य परिरक्षणलो मेटिगा निलिचिन तेलंगाणलो मरोसारी भारासा विजयं साधिस्तुंदनी तेलिपारु। तेलंगाणलो प्रति सामाजिक वर्गं ओटु कीलकमेनन्न असद् मज्लिस् अभ्यर्थुलु पोटी चेसे स्थानाल्लो गेलुस्तारनी धीमा व्यक्तं चेशारु। इंशाअल्लाह दोबारा केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी के एमएलएज भी कामयाब होंगे जहां जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग लड़ेंगे। जहां कहीं से भी एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, हम तेलंगाना की आवाम से ये अपील कर चुके हैं, कर रहे हैं कि आप एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को 30 नवंबर के दिन पतंग के निशान पर बटन दबा कर कामयाब करिए और दोबारा तेलंगाना के का मुख्यमंत्री तीसरी मर्तबा के लिए तेलंगाना की खुशहाली के लिए, तेलंगाना की तरक्की के लिए, तेलंगाना के अमन को बरकरार रखने के लिए, फिरका परस्त ताकतों को कमज़ोर करने के लिए और ये दोगले जो लोग हैं जो आरएसएस से आकर बीजेपी से आकर जो जिस तरह लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह अपनी आइडियोलॉजी को बदलते हैं, इन लोगों से आप लोग होशियार रहिए। जो पिछले 10 साल से आपने फैसला लिया उसी फैसले को जारी रखिए ताकि तेलंगाना और ऊंचाइयों पर कि जो 10 साल में तेलंगाना जो प्रोग्रेस कर रहा है, हाँ कमजोरियां हैं इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर एक विजिबल डेवलपमेंट तेलंगाना में नजर आता है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि एक लैंडलॉक्ड एरिया में हैदराबाद के अतराफ में डेवलपमेंट हो रहा है और पीसफुल तरीके से।